चलो देखो, ये ना क्लास ट्वेल्थ का मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, व्यय विधि कैसे करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय निकालना सिखाऊंगा व्यय विधि से, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा व्यय विधि से राष्ट्रीय आय ज्ञात करना, ठीक है। तो मैं व्यय विधि से ना राष्ट्रीय आय ज्ञात करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो व्यय विधि का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है, व्यय विधि का पूरा नाम। चलो देखो, व्यय विधि का पूरा नाम होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो व्यय विधि का पूरा नाम होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। इसको इंग्लिश में यहां से लिखते हैं सकल घरेलू उत्पाद, तो यानी GDP। जी माने ग्रोस, डी माने डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और बाजार कीमत पर बोलते हैं एट मार्केट प्राइस, तो एट MP। ये जितना बड़ा साइज होता है इसे छोटा लिखते हैं MP, ठीक है। तो ये हो गया GDP एट MP, ये व्यय विधि का पूरा नाम है, ठीक है। ऐसी जो राष्ट्रीय आय लिखा है इसका पूरा नाम होता है साधन लागत पर शुद्ध, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय, शुद्ध को बोलते हैं नेट, राष्ट्रीय आय को बोलते हैं नेशनल प्रोडक्शन। राष्ट्रीय आय को या राष्ट्रीय उत्पाद एक ही बात है, ठीक है। तो NNP एट FC, FC बोलते हैं कारक लागत, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट कहलाता है, समझ आ गया। तो देखो व्यय विधि जो है इसका पूरा नाम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद है, और आय विधि का पूरा नाम मतलब राष्ट्रीय का पूरा नाम साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो व्यय विधि से राष्ट्रीय निकालना सिखाना है, तो व्यय विधि कैसे करेंगे। देखो व्यय विधि के लिए ना पांच चीज़ें जोड़ी जाती है, कितनी चीज़ें जोड़ी जाती हैं, पाँच, पाँच चीज़ों को याद कर लेना है, उसी से हो जाएगा, ठीक है। तो पहला है, हमें अगर व्यय विधि निकालनी है तो पहला चीज क्वेश्चन में ढूंढना होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय। पर्सन में दिया होगा निजी अंतिम उपभोग व्यय, उसे ढूंढ के जोड़ देना। दूसरा जोड़ते हैं सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, तीसरा जोड़ते हैं सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण। यहाँ पे सकल ही होना चाहिए, अगर मान लो यहाँ सकल की जगह ना शुद्ध लिख देगा, शुद्ध अचल घरेलू पूंजी निर्माण, तो इसमें मूल्यह्रास और जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ सकल लिखा होगा ना मतलब सकल, तो मूल्यह्रास नहीं जुड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ सकल की जगह शुद्ध अचल घरेलू पूंजी निर्माण लिखा हो तो इसे सकल बनाने के लिए शुद्ध में मूल्यह्रास जोड़ा जाता है। तो याद कर लो एक फॉर्मूला कि अगर हमें कभी सकल निकालना होगा ना सकल उत्पाद, तो शुद्ध उत्पाद में जोड़ा जाता है मूल्यह्रास, और मूल्यह्रास का दूसरा नाम भी याद होना चाहिए अचल पूंजी का उपभोग या स्थिर पूंजी का उपभोग। तो अचल पूंजी का उपभोग। एक और फॉर्मूला याद करना है हमें, एक होता है बाजार कीमत पर, अगर बाजार कीमत पर कभी निकालना हो ना तो साधन लागत पर इसमें जोड़ते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर भी अगर नहीं दिया हो ना तो अप्रत्यक्ष कर जोड़कर उसमें से आर्थिक सहायता घटा के निकाल लेते हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला और याद करना है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय निकालना है ना तो घरेलू आय में जोड़ा जाता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, कारक आय को साधन आय भी बोल देते हैं। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से की जगह कभी कभी शेष विश्व से आ जाएगा, शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध कारक आय। अगर यह शुद्ध नहीं लिखा होगा तो विदेशों से कारक आय जोड़कर उसमें से घटा देना विदेशों को कारक आय, तो ये विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय आ जाएगा, सही है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय निकालने के लिए
तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय निकालने के लिए विदेशों से कारक आय जोड़कर उसमें से घटा देना विदेशों को कारक आय। अब सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? तो पहला जोड़ते हैं निजी अंतिम भोग व्यय, फिर सरकारी अंतिम भोग व्यय, फिर सकल अचल घरेलू पुनर्निर्माण। अगर ये मिल गया तो मूल्यह्रास नहीं जोड़ना है, लेकिन जब यहाँ पे सकल की जगह क्या लिखा हो शुद्ध, तो ये नहीं जुड़ेगा, जोड़ना पड़ता है ना। शुद्ध लिखा होगा ना, अगर सकल नहीं लिखा हो तो शुद्ध लिखना होने पर ये जोड़ना है मूल्यह्रास, अगर सकल है तो नहीं जोड़ना है मूल्यह्रास, ठीक है। अब ये अचल शब्द लिखा हो तो चौथा जुड़ेगा स्टॉक में परिवर्तन। शुद्ध निवल एक ही होता है, ठीक है, शुद्ध को ही निवल कहते हैं। अब देखो स्टॉक में परिवर्तन कब जोड़ोगे, जब यहाँ अचल लिखा होगा ना अचल, तो स्टॉक में परिवर्तन चौथा जुड़ेगा। अगर मान लो इस लाइन में सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण में अचल लिखा हो तो जुड़ेगा स्टॉक परिवर्तन, अगर अचल नहीं लिखा होता तो ये नहीं जुड़ेगा, सही है। और स्टॉक में परिवर्तन को माल सूची में परिवर्तन भी कहते हैं, और स्टॉक में परिवर्तन अगर नहीं मिलेगा ना क्वेश्चन में तो अंतिम स्टॉक जोड़कर उसमें से आरंभिक या प्रारंभिक स्टॉक घटा देना तो आंसर आ जाएगा। स्टॉक में परिवर्तन निकालने के लिए ना अंतिम स्टॉक जोड़ के उसमें से प्रारंभिक स्टॉक घटा देना, तो जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड कर देना। अगर ये तभी ऐड करना है जब यहाँ पे इसके साथ घरेलू पूंजी निर्माण के साथ अचल शब्द लिखा हो। अच्छा, कई बार ना पूंजी निर्माण नहीं लिखा होता तो घरेलू निवेश कह देगा, तो निवेश का मतलब भी पूंजी निर्माण होता है, ठीक है। और पांचवा जोड़ते हैं शुद्ध निर्यात, और शुद्ध निर्यात जोड़ते हैं, ठीक है। अगर उल्टा शुद्ध निर्यात लिखा हो आयात, तो शुद्ध आयात क्या करना है घटा देना है, ठीक है। और शुद्ध निर्यात अगर नहीं मिलेगा तो निर्यात माइनस आयात कर लेना, ठीक है। अगर हमें शुद्ध आयात चाहिए तो आयात माइनस निर्यात कर लेना, ठीक है। तो बस ये पांच चीजें जोड़नी होती है। तो वह विधि निकालनी है जिसका पूरा नाम होता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP एट MP। ये निकालने के लिए निजी अंतिम भोग व्यय जोड़ लेना, सरकारी अंतिम भोग व्यय जोड़ लेना, सकल अचल घरेलू पूंजी निर्माण जोड़ लेना, स्टॉक में परिवर्तन जोड़ लेना, शुद्ध निर्यात जोड़ लेना, ठीक है। अगर शुद्ध निर्यात हो तो जोड़ लेना, अगर आयात हो तो घटा देना। और शुद्ध निर्यात निकालने के लिए निर्यात माइनस आयात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और शुद्ध आयात चाहिए तो आयात माइनस निर्यात करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वह विधि हमारी आ जाएगी इतने फॉर्मूले से। अब मैं सिखाऊंगा क्या निकालना है हमें, राष्ट्रीय आय, क्या निकालना है हमें राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का पूरा नाम क्या होता है, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उत्पाद राष्ट्रीय आय कहो या राष्ट्रीय उत्पाद एक ही बात है। तो राष्ट्रीय निकालने के लिए मैंने अभी वह विधि निकाल ली है, तो यहाँ लिखूंगा वह विधि। तो इसका जो भी आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख लूंगा, इसे 100-200 जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे। अब वह विधि का पूरा नाम भी लिखेंगे, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। अब इसके तीन टुकड़े करते हैं, साधन लागत पर तो यहाँ बाजार कीमत पर, फिर यहाँ शुद्ध तो यहाँ सकल, यहाँ राष्ट्रीय उत्पाद, यहाँ घरेलू उत्पाद। तो इसका मिलान इससे होना चाहिए। अगर मुझे अब ये निकालना है, मुझे साधन लागत पर निकालना है और यहाँ क्या दिया हुआ है, तो एक सूत्र होता ना, ये बताया था बाजार कीमत पर निकालने के लिए साधन में जोड़ा जाता था शुद्ध अप्रत्यक्ष। तो मुझे साधन चाहिए उल्टा, तो जो शुद्ध अप्रत्यक्ष वहाँ जुड़ रहा था वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी अब मुझे साधन लागत पर चाहिए और यहाँ बाजार बना हुआ है, तो मैं इसमें से घटा दूंगा शुद्ध अप्रत्यक्ष और कर। अगर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर नहीं मिलेगा ना, तो इसको निकालने का सूत्र होता है अप्रत्यक्ष कर जोड़कर उसमें से घटा देंगे आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता को अनुदान भी बोलते हैं। अब दूसरा चेक करो, यहाँ पे क्या लिखा है शुद्ध, हमें शुद्ध निकालना है और हमें क्या दे रखा है यहाँ सकल। तो फॉर्मूला यहाँ पे है कि सकल उत्पाद निकालने के लिए शुद्ध में मूल्यह्रास जोड़ते हैं। अब उल्टा मुझे शुद्ध चाहिए तो मूल्यह्रास इधर प्लस का है, इधर आके सकल में से माइनस हो जाएगा। तो अगर मेरे को शुद्ध चाहिए तो सकल में से घटा देंगे मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास का दूसरा नाम भी आना चाहिए, वो होता है अचल पूंजी का उपभोग या स्थिर पूंजी का उपभोग। कोई पूंजी का उपभोग कर लेना मूल्यह्रास होता है। अगला है राष्ट्रीय उत्पाद, तो राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखा है घरेलू उत्पाद। तो फॉर्मूला था यहाँ पे राष्ट्रीय आय निकालने के लिए घरेलू आय में जोड़ते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो हम यहाँ पे राष्ट्रीय निकालना चाहते हैं और यहाँ पे घरेलू, तो इसमें जोड़ देंगे विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है, ये जोड़ देंगे, या कारक आय भी बोलते हैं इसे।
तो बस अब आपका आंसर आ जाएगा। तो जो वह विधि ऊपर वाले में पाँच जोड़ के आएगा वो यहाँ लिख देना है, मान लो 500 लिख दिया। फिर बोलेगा राष्ट्रीय निकालो, तो राष्ट्रीय निकालने के लिए वह विधि में से शुद्ध प्रतिशत घटा देंगे, मूलार्थ घटा देंगे और विदेशों से प्राप्त कारक का जोड़ देंगे, तो दो चीज़ें घटा के जोड़ देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी करते हैं तो समझ में आएगा आप। ठीक है, तो निकालो एक क्वेश्चन।